सबसे पहले बात करेंगे आज संसद में चल रहे घमासान की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान नए साल का पहला दिन काफी हंगामेदार चल रहा है। लोकसभा में राफेल डील के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी ने राफेल डील से जुड़े एक कथित ऑडियो टेप को सदन में चलाने की इजाजत मांगी, जिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपत्ति जताई। लोकसभा स्पीकर ने भी सदन में कथित ऑडियो टेप पर उसे चलाने की, उसे प्ले करने की अनुमति नहीं दी। राहुल ने कहा कि एक बड़ा सवाल उठता है कि पुराने सौदे में HAL हवाई जहाज बनाती है और विभिन्न प्रदेशों में हवाई जहाज बनता, लेकिन AA यानी अनिल अंबानी, वो इशारा कर रहे थे, को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। इसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया। राफेल के जवाब में जेटली ने वो फोर्स, नेशनल हेराल्ड, ऑगस्टा वेस्टलैंड का जिक्र किया, गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सदन में नारेबाजी हुई, हंगामा चलता रहा। पुराने कॉन्ट्रैक्ट में HAL हवाई जहाज बनाती बेंगलोर में, बाकी प्रदेशों में हवाई जहाज बनता, और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो लाखों युवाओं को इस राफेल हवाई जहाज बनाने का ऑनर मिलता, तो आपने HAL से छीना और अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब फ्रांस में हवाई जहाज बनेगा, व्यक्ति का नाम मत लो, उनके फर्म का हो तो ले। मैं अनिल अंबानी जी का भी नाम नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। मैं मना है मैम, मना है मैम, अनिल अंबानी का भी मना है मैम। ही इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस, नहीं, नॉर्मली मेंबर्स का नहीं लेना चाहिए, बट अनिल अंबानी का भी नहीं ले सकते। नॉट मेंबर ऑफ दिस हाउस, ही इज नॉट मेंबर ऑफ दिस हाउस। अच्छा मैम, नए रूल्स है मैम, नो प्रॉब्लम मैम। बनाम 1600 का जो तर्क है, ये बहुत सादगी का तर्क है, और उसका कारण यह है कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे में। Why was the gentleman in custody today of our investigating agencies sending emails in 2008-2009 when the Augusta Westland deal was being negotiated and referring to Mrs. Gandhi, our Italian lady, son of Italian lady, the son will speak to the mother. Why was it happening? The reason is that they did not understand. They did not understand national security. They only understand paisa.